हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़रदा रेसिपी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मेरी तरह इसको बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। और साथ ही मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी टिप्स, अगर आपका मीठा ज़रदे में कम हो जाता है तो हम किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने 1 किलो ले लिए हैं गोल्डन राइस यानी कि सेला चावल, और करीब 6 लीटर हमने पानी यहाँ पर गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जो फूड कलर होता है ऑरेंज, वो डाल देंगे पानी में भिगोकर। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। जब पानी हमारा अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे और इसको चलाने के बाद 1 बार चम्मच चलाएंगे और इसको हम करीब 100% तक कुक करना है। प्रॉपर पका लेने हैं चावल और चम्मच नहीं चलाना है, सिर्फ बॉईल कर लेने हैं। इसको ढक देते हैं। अब ये हमारे चावल देखिए 100% कुक हो चुके हैं। इसको हम दबा कर देखेंगे तो ये अच्छी तरह से हमारा दबना चाहिए। तो ये हमारा चावल हो चुका है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। फिर हम इसमें भगोने में डालेंगे देसी घी, थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमें फ्राई करने हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए बादाम जो हमने छील लिए थे भिगोकर और कट कर लिया था। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, ये भी फ्राई हो जाती है ड्राई फ्रूट्स में। आप चाहें तो काजू भी फ्राई कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे चिरौंजी। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े से ही फ्राई करूंगी। करीब 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फिर से देसी घी। और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 हरी इलायची, उसको हमने क्रश कर लिया था। हरी इलायची के बाद इसमें 5 से 6 हम डाल देंगे लौंग, इसको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे चीनी। 1 किलो अगर आपके चावल हैं तो आप 1 किलो ही चीनी लें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमने चीनी ले ली है, अब हमें कम लग रही है तो हम और ले लेंगे इसमें। चीनी के बाद इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और गैस को हम फुल रखेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो चावल हमने लिए थे, उसको ड्रेन कर लिया था, ये चावल हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। और ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली गले हुए होने चाहिए। और उसके बाद ये थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे जो हमने बचा लिया था। अब हम इसको गैस सिम करके पकाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि चीनी बिल्कुल आपके मेल्ट हो चुकी हो और ड्राई हो चुकी हो। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें है चीनी का पानी, ये देखिए पानी छोड़ चुकी है चीनी। और इसको हमें अभी और पकाना है। खोलकर चेक करते रहना है कि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है या नहीं, और हल्के हल्के इस तरह से चावलों को अलट पलट देंगे।
और फिर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करे थे और जो नहीं किए थे वो भी। नारियल, सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह फैलाकर डालेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मावा, इसको क्रश करके हमने डाल दिया और इसको थोड़ी देर और पकाना है हमें ढककर। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके जर्दे में चीनी कम रह जाती है तो आप ये देखिए इसमें पानी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चीनी चखने पर कम लग रही है तो आप घी और थोड़ा सा हम लेंगे दूध एक कप, दो बड़े चम्मच घी और जितनी आपको चीनी रखनी है वो रख लेंगे और आप इसमें डालकर हल्की आंच पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All that-